हेलो फ्रेंड्स, एम टू मसालाज मैजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी है आलू से बनने वाला मज़ेदार चटपटा नाश्ता। इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 उबले हुए आलू लिए हैं। आलूओं को इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो इसे अच्छे से मैश भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारे आलूओं को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 5 चम्मच कॉर्न स्टार्च। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। इसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डालें और कटे हुए हरी के पत्ते। अब इसका एक डो तैयार कर लेंगे। पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, फिर भी यदि डो गीला रह जाए तो आप कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा या कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हैं। मैंने 2 चम्मच मैदा और ऐड की है। इसे भी अच्छे से मिलाएंगे और इसका परफेक्ट डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार हो चुका है। अब इसको बोतल से इस तरीके से प्रेस करेंगे। देखो, अब मैं दूसरे बोतल से भी करके दिखाती हूँ आपको। बहुत हल्के से प्रेस करेंगे इसको। बस परफेक्ट बना है बिल्कुल। मैंने पानी को पहले से ही बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल। इसे भी अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें डालेंगे ये सारे, एक एक करके हमको डालना है, सारे साथ नहीं डालना, नहीं तो पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा और ये अच्छे से नहीं पकेंगे। देखो, ये ऊपर आने लगे हैं, मतलब अच्छे से पक गए हैं। अब इसको चिल्ड वाटर में निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर आइस क्यूब भी डाल दिए हैं इसमें। अब इन सभी को इसमें डाल देंगे, जिससे इसकी शेप भी अच्छे सी बनी रहेगी। सभी निकाल लिए हैं। अब इसे रख देंगे साइड से। तड़का पैन में 1 चम्मच डालेंगे वेजिटेबल ऑयल, चॉप किया हुआ थोड़ा सा लहसुन और चॉप की हुई थोड़ी सी ग्रीन चिली। बस तड़का तैयार है। इसमें डालेंगे तड़का, चॉप किया हुआ हरा धनिया और आधा चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच टोमेटो सॉस। इन सारे चीजों को अब हम मिला लेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप इसकी जगह चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। ये एक ऐसी डिश है, इसमें अपनी मनपसंद की स्पाइस और सॉस डाल सकते हैं। केवल आलू से ही कितनी बढ़िया और चटपटी मज़ेदार डिश बनी है। बच्चे तो इसे मांग मांग कर खाएंगे। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।